डेरिवेटिव जैसे यू अगर अपना क्या हो, अपन ने स्केल चेंज करा दी है ना, यू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच न्यूट्रल ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है? वाई ऑफ एक्स में होता है, अब स्केल चेंज कराते हैं किसमें लेंगे, वाई ऑफ यू में क्या आ जाएगा, वाई जीरो यू डेल वाई जीरो यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टर टू डेल स्क्वायर वाई जीरो यू माइनस टू फैक्टर थ्री डेल क्यू वाई जीरो एंड सो क्लियर। ये कंडीशन हो गई, अब अपना ये यू की फॉर्म में आ गया, अब डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, वाई की। अब मैंने यहाँ वाई यू का फंक्शन लिया है तो चेन रूल बन जाएगा डीवाई बाई डी और डीयू बाई डी, ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला हुआ, अपन ने स्केल चेंज करा दिया, जहां एक्स चला यू की फॉर्म में ले लिया, यू हो गया एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एच टी फॉर्म, डीवाई बाय डीएक्स क्या होगा, डीवाई बाय डी यू डी यू बाय डी एक्स, फर्स्ट से डी यू बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन एच डीवाई बाय डी यू ये वन अपॉन एच, क्लियर। तो डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, और डीवाई बाय डी यू कितना होगा, सेकंड से y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें जीरो, इसका डेल y जीरो, u का वन, u स्क्वायर माइनस वन का टू u माइनस वन फैक्टर टू, और ये कैसे फॉर्म आ जाएगी, डेल स्क्वायर y जीरो, मल्टीप्लाई करती क्या है u स्क्वायर माइनस की कंडीशन, इसको भी करोगे तो क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू क्यूब थ्री यू प्लस टू यू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर यू से करो ये, यानी इसका डिफरेंशियल क्या होगा, थ्री यू माइनस ए आ जाएगा थ्री यू स्क्वायर यानी सिक्स यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू वाई जीरो एंड फॉर, क्लियर। ये डिवाइड बाय डीएक्स की कंडीशन, ऐसे ही अगर अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय बाय डी एक्स है ना, चेन रूल बनाओ डी बाय डी यू और डी यू बाय डी एक्स, चेन रूल बन गया, डी यू बाई डी एक्स अभी अपन ने निकाला कितना है, वन अपॉन एच, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वेशन थर्ड से पूरा उसका यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा, क्या है वन अपॉन एच, यहाँ भी एच डिवाइड होगा ना, वन अपॉन एच डेल वाई जीरो ये डेल स्क्वायर वाई जीरो एंड सॉल्व, और ये डी यू बाई डी एक्स यानी वन अपॉन एच, क्लियर। इसका यू के और ये वाला कौन है, इस वाला एच क्या होगा, वाला कौन एच स्क्वायर, और उससे डिफरेंशियल के फॉर्म में लेंगे, डेरिवेटिव फ्रॉम इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अपना न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला है, उसमें एक्स को स्केल चेंज करा रहे हैं यू से, यू होगा एक्स माइनस एक्स डॉट अपॉन एच, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एच, वाई ऑफ यू न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होगा, यू डेल स्क्वायर जीरो यू यू माइनस वन फैक्टर टू डेल स्क्वायर वाई जीरो ये यू माइनस वन यू माइनस टू फैक्टर थ्री डेल क्यू वाई जीरो एंड फॉर, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, चेन रूल बने डी वाई बाई डी डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, डीवाई बाई डी यू बाई डी एक्स कितना है, वन अपॉन एच,
जीरो, यू का वन, फिर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू यू माइनस वन, इसको ओपन करोगे तो ये फॉर्म, इसका डिफरेंशिएशन 3 स्क्वायर माइनस 6 क्यूब प्लस 2 अपॉन फैक्टर 3, ये कंडीशन आ गई। क्लियर? फिर अपन लेना है d2y/dx2, d/dx इनटू d/dx, d/dx को लिख सकते हैं d/du, d/dx, ये d/dx की कंडीशन। d/du, d/dx अपन ने थर्ड से पुट कर दिया, और d/dx 1/n चाहिए बाय इक्वेशन। और d/du और इसका डिफरेंशियल कर लो, ये 1/n² हो जाएगा, और u के रास्ते में डिफरेंशियल करोगे तो 0, और इधर 2u-1/2 अपॉन फैक्टर 2, और डेल स्क्वायर ये y0 एंड सॉम है ना, ये वैल्यू फाइनल। क्या दिया था अपना d2y/dx, तो स्ट्रिंग फॉर्मूला हो, बेसल हो, गॉस फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, उनके लिए डेरिवेटिव इसी तरीके से अपन फाइंड करेंगे। वैसे ग्रेगरी के लिए इस तरीके से नहीं करेंगे, ग्रेगरी में अपन ने स्केल को चेंज करा है, स्केल चेंज नहीं करके डायरेक्ट करेंगे, अगर कराना चाहो स्केल चेंज करवा सकते हो ना। तो ये इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है। एक्स है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, और एफ एक्स है अपने पास 0.280, 0.5440, 1.2960, 2.4820 और 400। ये एक्स और एफएक्स रहता है, तो गिवन जो टेबल है इसमें 1.1 पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ से देखना, अगर स्टार्टिंग में वैल्यू बोल रहा है, छोटी वैल्यू है, तो अपन किसका यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेवी का, यानी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला स्टार्टिंग में बोल रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1.1 पे इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पर्टिकुलर मेंशन करें इस फॉर्मेट से करो तो ठीक है, नहीं जो स्टार्टिंग की वैल्यू के लिए फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो अपन क्या देना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का होता है। इसको भी इजी वे में चेंज करने की पॉइंट अटैक कर सकते हो, 10^4 अटैक से मल्टीप्लाई कर दो ये, और नहीं तो डायरेक्ट करो, कैसे लिखेगा, इसमें से ये लिखूंगा 0.2, 1.2, 8, 0, फिर इसमें से ये इसके बीच के स्पेस में आ जाएगा, ये 0.4, 1, 6, 0, इसमें से ये लैस हुआ 0.7, 5, 2, 0, इसमें से ये लैस हुआ 1.1, 3, 6, 0, इसमें से ये लैस हुआ 1.5, 6, 8, 0, ये फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, इसमें से ये लैस करा, बीच के स्पेस में लिखना क्या जाएगा 0.2880, 0.3360, 0.3840 और 0.4320, फिर डेल क्यूब एफ एक्स, इसमें से ये लेस करा 0.0480, और डेल फोर एफ एक्स यानी 0, 0, अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला ले, न्यूटन ग्रेगरी कौन सा वाला फॉरवर्ड, इसमें फर्स्ट वैल्यू होती है a+h a+2x, इस फॉर्म में इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन f(x), ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f है, ये फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ f है, क्यूब f है, और ये फॉरवर्ड की पावर 4 है। जब न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर, तो ये वाला डायग्राम हो सकता है,
ये आने का मतलब अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज यूज में आएंगे, क्लियर? न्यूटन ग्रेविटी फॉर्मूला बोलो या न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, है ना? क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच सच एन एच होता है, या एन की जगह क्या काम में लेंगे एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल करना है ना। क्या होगी कंडीशन एफ ऑफ ए एन होता है एक्स फॉरवर्ड ऑफ एफ ए एस एक्स माइनस वन फैक्टर टू डेल स्क्वायर एफ ए, कहाँ तक लेंगे डेल स्क्वायर एफ ए 0 है, क्यूब तक ले लो, फोर तक ले लो, फोर तक ले लो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए, और अगला वाला एग्जाम चलते लिखो, नहीं तो एंड सॉल्व कर। अब अपन क्या करें इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या रहे है अपने को फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, डिफरेंडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा एफ डैश ए प्लस एक्स एच और ये एच, ये 0 फॉरवर्ड ऑफ एफ ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी 2x माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए, ये कांस्टेंट होगा, और इसका करोगे तो क्या होगा ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, फैक्टर 3 डेल क्यूब प्लस 0 है ना। अगले वाले का वैल्यू रखे आप फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो क्या लेना है, कितने चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले सेकंड में निकाल लो, अगेन इसका डिफरेंशियल करना है एक्स के रास्ते में, तो क्या हो जाएगी फंक्शन सेकंड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये ए प्लस एक्स इसका 0 टू फैक्टोरियल 2 6x माइनस 6 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब 0, इस पे डेरिवेटिव चाहिए अपने को 1.1 पे, है ना, ध्यान से देखना ये कंडीशन, डेरिवेटिव 1.1 पे चाहिए यानी मैम। ए प्लस एक्स एच कितना है 1.1, तो यहाँ डेरिवेटिव 1.1 पे चाहिए ए प्लस एक्स एच कितना है 1.1, ए यानी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है अपने पास 1, एक्स कितना है कितने का डिफरेंस है 1.2 का, ये 0.2 का, ये लाइन निकालते तो वही कॉन्सेप्ट, तो एक्स कितना आ जाएगा अपने पास हाफ, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अपन किसके एक्स वैल्यू हाफ और बाकी ये वैल्यू किस पे बुक करें सेकेंड और थर्ड में, तो क्या आ जाएगा उसका फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगी कंडीशन इन दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में रखो, एच एच कितना हो जाएगा, कितना का डिफरेंस है 0.2, एफ डैश 1.1, यहां से देखना ये कौन सी मैथ है इक्वेशन सेकेंड में,
फॉरवर्ड ऑफ एफ 0.1280, 2x कितना होगा 1/2, फॉरवर्ड स्क्वायर थ्री फोर फॉरवर्ड क्यूब है फॉरवर्ड क्यूब और ये वाली क्या होगी जीरो, इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। F-1.13, इसको 0.2 से डिवाइड करा था ना, पूरा सॉल्व करके 0.2 से डिवाइड कराओगे 0.63 जीरो, तो साइंटिफिक से सॉल्व कर लेना, 0.2 से डिवाइड कराएंगे F-1.1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब बाय इक्वेशन थर्ड एच स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर एफ डबल डैश 1.1 क्या होगी कंडीशन, फॉरवर्ड स्क्वायर रखते हैं यानी 0.2880, सिक्स एक्स कितना है हाफ, डेल क्यूब एफ है 0.0480, इसको सॉल्व करोगे और 0.2 के स्क्वायर से डिवाइड करा दो, एफ डबल डैश 1.1 आ जाए, है ना, इसको पूरा राइट साइड को सिंपलीफाई कर लेना, 0.2 के स्क्वायर से डिवाइड कर, ये आ जाएगा 6.6 जीरो, क्लियर, ये सॉल्यूशन आ गया। और दूसरा मेथड है अगर तुम सिंपल पॉलीनोमियल निकाल लो, पॉलीनोमियल निकाला अपन ने आगे, पॉलीनोमियल निकाला था y निकाल लो, dy/dx निकाल लो, d2/dx वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन निकाल लेंगे और उनके डेरिवेटिव की कंडीशन निकाल। ये एक्स दे रखा है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, ये वाई दे रखा है 2.7183, 3.3201, 4.0552, 9530, एक्स और वाई। अब ये 2.2 में बोल रहा है, सबसे पहले इंटरसेप्ट चेक करो 0.2 का डिफरेंस है, स्टार्टिंग में वैल्यू बोलेगा तो न्यूटन का फॉरवर्ड बोलना पड़ेगा, लास्ट में बोलेगा तो बैकवर्ड, बीच में बोलना पड़ेगा न्यूटन का वॉर फॉरवर्ड ब्रेकफास्ट स्पेलिंग कौन सा भी काम मिलो क्योंकि उसने स्केल दे रहे हो, ठीक है, आगे के लिए न्यूटन का फॉरवर्ड, पीछे के लिए न्यूटन का बैकवर्ड, तो यहाँ न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके तो बैकवर्ड की टेबल बना है, इसलिए x.2 लास्ट में आ रहा है तो बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर, तो बैकवर्ड टेबल बना है, बैकवर्ड हो गया लेस हो जाएगा, टेबल वही बन गई थी जब बैकवर्ड को अप्लाई करेंगे 0.6018, ये बीच में लिखो 7351, 0.8978 और 0.09661, 3395 और 1.6359, फिर बैकवर्ड स्क्वायर 0.133, 0.1627, है ना, डिफरेंस इसमें से ये लेस कराओगे 1988242929964, डेल क्यूब है
0.02 94, 0.03 61 और 0.04 41, 0.05 35, 441 001, 0061, 0.0080, 0094, 551, 0013, 0014 और 000. डकवर्ड में कौन सी टेबल कम में आई थी अभी? ये न्यूज में आई थी. ये सारी है ना, तो ये कंडीशन हो गई. अब अपना कौन सा लें, बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एम एच होता है एक्स एच. ये वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, फिर एक्स बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच और एक्स बैकवर्ड स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 आता है फिर 2. तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कंट्रोल 3 बैकवर्ड क्यूब एन एच कहाँ तक जाएगी वैल्यू? 6 तक. तुम लेना चाहो फोर तक ले सकते हो, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो. 0.00 आ रहा है, नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन इसको, है ना. अब इसमें कौन सा डेरिवेटिव पूछ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव. क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किसका डिफरेंशियल करना, किस पर चाहिए वैल्यू? 2.2 पे, यानी a+mx+fx कितना हो जाएगा? 2.2 की कंडीशन हो जाएगी. और इस पे अपना h कितना है? 0.2. और ये कितना है? a+ls की कंडीशन लेने कितनी है? ये लास्ट वैल्यू 2.2. a+ls कितना है लास्ट इधर? क्लियर? इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा अपने पास? a+nh+xh जिसपे वैल्यू फाइंड करनी है 2.2. a+ns कितना है? 2.2. x एच कितना है? 0.2 का डिफरेंस, ये 2.2. तो क्या आ जाएगी कंडीशन अपने पास इससे? एक्स की वैल्यू 0. समझ में आया? a+ns लास्ट वैल्यू जो फाइंड करना है वो एस डिफरेंस एक्स कितना आ गया? 0. क्लियर? अब इसका एक बार डिफरेंशियल करो एक्स में, दूसरी बार करो और उसमें a+ns क्या 2.2 और एक्स की जगह क्या है उसको भी 0 और ये वैल्यू के वाली रख दो तुम्हारे लिए बनाया है ना. ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच है बैकवर्ड का, ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच बैकवर्ड, एफ ऑफ ए प्लस एन एच बैकवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच बैकवर्ड क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच. ये सारी वैल्यू जिसमें रख देंगे वो डेरिवेटिव रह जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में निकालना है, सेकेंड भी एक्स के रेफर में डिफरेंशियल करके सारी वैल्यूज रख दे, वापस दूसरी बार एक्स के रेफर में डिफरेंशियल करके वैल्यूज रख दे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. यहाँ तक तो अपन काम कर ही रहे थे, केवल डिफरेंशियल करने का काम एक्स्ट्रा करना है ना. तो फर्स्ट का एक्स के रेफर में डिफरेंशियल करो, ये 0 का वन हो जाएगा, x2 + x, 2x + 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट. मैंने 4.6 को नेगलेक्ट कर दिया, हटाना चाहो हटा दो क्योंकि ये 0.0 लगभग 0 मान के सकते हैं, इन तीनों को अपन ने 0 मान लिया तो लास्ट में अप्रोक्सिमेट लिखेंगे, है ना. डिफरेंडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एफ डैश ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच
है ना, और इसका कंपटीशन ऐसा जाएगा, ये जीरो बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन फैक्टर टू बैकवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और इधर ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा तो सिक्स एक्स, टू एक्स यानी टू फैक्टर थ्री एंड सॉरी ये सारी वैल्यूज रख दो।